हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मंडे का मॉर्निंग जो है ना, मैं गरम गरम चाय के साथ स्टार्ट किया है। और कल मैंने संडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ना मैं जिशान का स्कूल का प्रिपरेशन कर रही हूँ। टिफ़िन उसे टिफ़िन लेके जाना होता है, तो टिफ़िन भी मैंने ऐड किया है सारे बना के, और वो सब प्रिपेयर करके उसे जल्दी जल्दी भेज रही हूँ स्कूल। तो उसके स्कूल बहुत मॉर्निंग होता है, तो उसके स्कूल जाने के बाद ना थोड़ी देर में सो जाती हूँ। और सो के उठने के बाद ना मैंने सोचा आज आलू के पराठे बनाती हूँ, और सिंपल तरीके से मैं आलू का पराठा बनाती हूँ इसे स्टफ करके। और मुझे ऐसे ही इस तरह से अच्छा लगता है, नहीं तो कभी कभी ऐसे ही आलू के जो रोटी जैसे बना के उसके अंदर स्टफ कर लेती हूँ। आज तो मैंने 2 लेयर करके बनाया है। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आज ना मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। वैसे मैं घर का जो सामान होता है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, और आज मैंने इसमें सिर्फ चंदन ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके मैं ये थोड़ा सा लगाऊंगी। और सच में चंदन पाउडर जो है ना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जिशान और जायन का थोड़ा सा फाइट भी हो रहा है। जिशान स्कूल से आ गया था, आने के बाद वो टीवी देखता है, प्ले करता है, नहीं तो फ्रूट्स वगैरह वो सब खाता है। तो वो जायन भी उसके साथ ही रहता है, तो जायन अभी उसके साथ प्ले कर रहा था, तो उसके बीच आप जायन को रुला भी देता है वो, उससे जो जायन को भी वही चाहिए होता जो जिशान के हाथ में है मतलब। तो इसीलिए वो दोनों थोड़ा सा फाइट वाइट हो जाता है। अभी जायन भी बड़ा हो रहा है, नॉटी हो रहा है, तो इसी टाइप से वो लोग प्ले भी करता है। और ये दोनों प्ले कर रहा था, तो मैं भी खाना ही बना रही थी, बीच बीच में आके मैं सूट कर लिया था उन दोनों को भी। और आप लोग ये बताना कि आप सब कैसे हो, मैंने आज पूछा ही नहीं आप सब कैसे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। और अगर मुझे मेरी इस तरह की डेली ब्लॉग आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा, क्योंकि डेली ब्लॉग अपलोड करना इट्स नॉट ईजी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। अगर डेली भी नहीं हुआ तो एक दिन छोड़ के मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ भी कनेक्ट होते रहूँ। मैं ट्राई करती हूँ लेकिन होता नहीं है। तो अभी जो है ना, मैंने किचन पर खाना ही बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से चिकन करी बनाया है। चिकन करी नहीं बोल सकते, या चिकन कोरमा भी बोल सकते हो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं होता है। देख सकते हो मैंने क्या क्या डाला, और यहाँ पे ना हरी मिर्ची डाली, ज़रूर डाली अगर आप लोग ऐसे बना रहे हो ना, बहुत यम्मी लगता है। उसमें ब्लैक पेपर डालूंगी मैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, और बटर ऐड करिएगा, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और क्रीम, अगर क्रीम है तो क्रीम ऐड करिएगा, अगर क्रीम नहीं है तो दही भी ऐड कर सकते हो। दही ऐड करने से भी आप लोग क्रीम ऐड कर सकते हो। लास्ट में मैंने थोड़ा सा लास्ट में कुकिंग क्रीम ऐड किया था, और इससे बहुत टेस्ट आती है। अगर आप लोगों के पास क्रीम नहीं है ना, तो आप लोग ना मिल्क भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मुट्ठी भर के मैंने धनिया डाला है, धनिया ज़रूर ऐड करिएगा, हरा धनिया बहुत टेस्टी लगता है इसका खाना। और ये जो है ना, आप लोग किसी के भी साथ खा सकते हो, राइस हो, पुलाव हो, या रोटी हो, नान हो, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है और यम्मी लगता है। और खाना वाना खा के ना थोड़ा सा हम बाहर आ गया था, तो मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड का वेकेशन चल रहा है, तो इसीलिए हम ना थोड़ा सा बाहर आ गए थे। तो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, अगर इस ब्लॉग को अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी मेरे चैनल पर नहीं होना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उसके साथ जो बेल आइकन है उससे क्लिक करिएगा, ताकि जो भी कोई नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे।
तो अभी घर आके ना हम मैं डिनर का, डिनर मतलब ऐसे ही चिकन पकौड़ा वगैरह में मन हो रहा था ऐसे खाने का, तो मैं हम जो है ग्रोसरीज थोड़ा सा लेके आई थी, तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरह के से पकौड़े बनाए चिकन का, और बहुत मज़े का लगता है उसके साथ जो है मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए ना, क्योंकि बहुत फ्राई हो जाते हैं, उसके साथ मुझे सैलड बहुत पसंद है, स्प्राउट और मैंने जो है ब्लैक चने का सैलड बनाया था। अगर कोई भी हेल्दी डाइट में है तब भी आप लोग उस टाइप का सलाद बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे बनाया, मैं यहाँ पर रेसिपी आपको सब दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी ज़रूर। और इस टाइप का ही मैंने बनाया था और खाने में टेस्टी लगता है। ये देखिए स्प्राउट है, ये देखिए मैंने स्प्राउट ले लिया, ब्लैक चना भी ले लिया था, उसमें आप लोग जो भी आपको मर्जी हो वह आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अनियंस, टमाटो जो भी मुझे अच्छा लगा था वही डाल वाल के, चाट मसाला भी डाल सकते हो थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पर मुझे पनीर था तो वो भी मैंने थोड़ा सा स्क्रम्बल करके डाल दिया था। कुछ भी जो आपको मन हो तो सैलड एज ए सैलड आप लोग बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। उसके साथ जो है मुझे सूप भी थोड़ा सा मन हो रहा था, मनसाओ सूप, तो मैं वो भी जल्दी जल्दी में बना लिया था। तो यही था मेरा आज का रूटीन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Don't you think we're done? Don't you think we're done? Make me